नादिर शाह हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ में खुलासा किया है। तिहाड़ जेल में बंद हाशिम बाबा साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से फोन पर बात कर रहा था और हाशिम बाबा नादिर हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर से भी तिहाड़ जेल के अंदर से फोन पर लगातार बात कर रहा था। इतना ही नहीं, अपने परिवार से भी लगातार टच में था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक और शख्स को नोटिस जारी किया है। दुबई में बैठे अनूप जुनेजा को भी नोटिस जारी किया। इससे पहले कुणाल छाबड़ा को भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। हमारे संवाददाता मुकेश सिंगर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, यहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है नादिर शाह हत्याकांड को लेकर। हाशिम बाबा ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया है कि तिहाड़ जेल में बंद हाशिम और लॉरेंस बिश्नोई से फोन पर बातचीत कर रहा था। क्या कनेक्शंस इसमें निकल रहे हैं अभी तक नादिर शाह हत्याकांड में? कि हाशिम बाबा उत्तर पूर्वी दिल्ली का जाना माना गैंगस्टर है और 2020 से तिहाड़ जेल में बंद है। 2020 में उसे दिल्ली पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं तब से वो तिहाड़ जेल में बंद है। इस पूरे हत्याकांड में, यानी कि नादिर शाह हत्याकांड में, उसका नाम शुरू से सामने आ गया था और जो शूटर अब तक पकड़े गए हैं, जो इस हत्याकांड में शामिल लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने हाशिम बाबा के कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, ये पूछताछ में साफ हो गया था। इसके बाद कल ही दिल्ली पुलिस ने हाशिम बाबा को तिहाड़ जेल से रिमांड पर लिया है और फिलहाल वो स्पेशल सेल की रिमांड पर है। पूछताछ में, जो हमारे दिल्ली पुलिस के सूत्र हैं उनके मुताबिक, पूछताछ में हाशिम बाबा ने ये खुलासा किया है कि वो 2 महीने से लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था। लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और वहाँ से दोनों ही जो गैंगस्टर हैं वो मोबाइल से आपस में बात करते थे। दोनों इस हत्याकांड की प्लानिंग कर रहे थे और जैसा कि जांच में ये बात सामने आई है कि हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई है, क्योंकि पैसों को लेकर नादिर के दोस्त जो कुणाल छाबड़ा है उससे उसका विवाद चल रहा था। तो हाशिम ने पूछताछ में कहा कि 2 महीने से वो लगातार लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था, फोन से लगातार बात कर रहा था, यहाँ तक कि वो अपने परिवार के लोगों से भी फोन से तिहाड़ जेल से लगातार बातचीत कर रहा था। और जो शूटर इस पूरे हत्याकांड में शामिल है, जो लॉजिस्टिक मुहैया कराने वाले लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं, उनसे भी वो फोन से लगातार बातचीत कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसको ये मालूम चला कि नादिर हत्याकांड हो गया है और उसके शूटर पकड़े गए हैं, उसके बाद उसने मोबाइल तोड़कर फ्लश में डाल दिया था और मोबाइल अब तक रिकवर नहीं हो सका है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जल्द ही उस मोबाइल को रिकवर करने की कोशिश करेगी, उसके जो टुकड़े हैं उसको बरामद करने की कोशिश करेगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक और शख्स जो है अनूप जुनेजा, जो कि इसमें दुबई में बैठा है, उसको भी नोटिस जारी किया है। अनूप जुनेजा वो शख्स है जो दक्षिणी दिल्ली के अलावा तमाम जगहों पर कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और उसकी भी कई पुलिस वालों से अच्छी दोस्ती है, गहरी घुसपैठ है पुलिसकर्मियों के बीच में, तो उसको भी नोटिस जारी किया गया है पूछताछ के लिए। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ है।